सुमन की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाना की खिचड़ी। मैंने एक कटोरी साबूदाना ले रखा था, उसको अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया और उसको भिगो दिया एक घंटे के लिए। देखिए मेरा एक घंटे के बाद साबूदाना भीग चुका है, देख कितना अच्छा भीग चुका है। अब हम उसमें साबूदाना की खिचड़ी में डालने के लिए मैंने घी ले रखा है, एक कटा हुआ आलू ले रखा है, थोड़ी मूंगफली ले रखी है, 2 हरी मिर्च ले रखी है, 4 से 5 कड़ी पत्ता ले रखे है, 1 नींबू ले रखा है और 1 टमाटर कटा हुआ ले रखा है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, उसमें एक कढ़ाई रखेंगे, दो से तीन चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम मूंगफली रोस्ट करेंगे, मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे, मूंगफली मैंने सारी निकाल ली है। इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे, ये व्रत के लिए बना रहे हैं, आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, हम कड़ी पत्ता इसमें ऐड करेंगे, इसमें 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसमें कटा हुआ 1 आलू ऐड करेंगे और मिक्स सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को पकने के लिए हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। अब भुनी हुई मूंगफली को हम मिक्सर के ग्राइंडर में डाल के इसको हम पीस लेंगे, हल्का हल्का दरदरा सा इसको हम पीस लेंगे। मूंगफली को मैंने पीस लिया, अब एक हम कटोरी में इसको हम निकाल लेंगे। अब हम आलू को चेक कर लेंगे, आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, हम थोड़ा सा इसको हम ढक देंगे, टमाटर पकने तक हम इसको ढक देंगे, गैस को हम स्लो कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे, टमाटर पक चुके हैं, देखते हैं टमाटर और आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। एक चम्मच हम इसमें नमक ऐड करें, नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से चलाएंगे, गैस को हम लो ही रखेंगे। अब इसमें पिसी हुई मूंगफली ऐड करेंगे, इसे हम अच्छे से चलाएंगे। आधा चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, चीनी का स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही साबूदाना की खिचड़ी टेस्टी बनती है। अच्छे से हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी। गैस को हम मीडियम में रखेंगे, खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। देखिए इसका एक भी दाना चिपका नहीं है, देखिए कितनी खिली खिली बनी हुई है खिचड़ी। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे, रोस्ट हुई हुई मूंगफली ऊपर से ऐसे ही ऐड करेंगे। देखिए कितनी खिली हुई खिचड़ी बनके